तो आज की क्लास में हम क्लास 10th साइंस के चैप्टर फर्स्ट का जो क्वेश्चन है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थितियां उसके बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहली जो स्थिति होती है वो जब वस्तु अनंत पर रखी जाए। वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो समांतर आने लेकर के आएंगे वस्तु को, ठीक, प्रकाश किरणों को। तो ये कहाँ पर प्रतिबिंब बनाता है? फोकस पर। तो समांतर आकर के परावर्तित होकर के फोकस पर निर्माण करते हैं अपने प्रतिबिंब को, एक दूसरे को परावर्तित किरणें जो होती हैं वो फोकस पर काटती हैं। तो जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है तो उसका डायग्राम ऐसे बनता है, और प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? फोकस पर, और आकार कैसा है? देखो बिंदु जैसा है, और प्रकृति क्या होती है? क्योंकि दर्पण के सामने बना तो वास्तविक, और वास्तविक प्रतिबिंब सतह कैसा बनता है? उल्टा। सेकेंड है, जब वस्तु अनंत तथा सी के मध्य हो, तो थोड़ा सा आगे खिसकाएंगे जब वस्तु को, अनंत तथा सी के मध्य जब वस्तु को रखेंगे तो एक मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाएंगे तो वो हमेशा फोकस से जाएगी, और एक वक्रता केंद्र से लेकर के जाएंगे तो वो अपन उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। तो ये दोनों एक दूसरे को सी और एफ के मध्य काटते हैं, इसलिए इनके जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो सी तथा एफ यानी वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच होगा, और जो आकार है वो वस्तु की अपेक्षा छोटा है, वस्तु से छोटा, और प्रकृति क्योंकि बाई ओर बन रही है, अपने आप मिल रही है प्रकाश किरणें, तो इसलिए इनकी प्रकृति वास्तविक होगी, और क्योंकि नीचे मुख्य अक्ष के मिल रही तो उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा होता है, ठीक है। तो अनंत और सी के मध्य रखेंगे तो सी और एफ के मध्य प्रतिबिंब बनता है। ऐसे ही जब वस्तु को हम कहां पर रखेंगे? सी पर, वक्रता केंद्र पर, तो उसका प्रतिबिंब भी सी पर बनता है। आकार कैसा होता है? वस्तु के समान, और इसकी प्रकृति वास्तविक एवं उल्टी होती है, ठीक है। अनंत यहाँ सी पर रखेंगे तो समांतर ले जाएंगे, फोकस से जाएगी, और फोकस से ले जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये यहाँ पर काटेंगे तो यही पर प्रतिबिंब का निर्माण होगा। जब हम वस्तु को सी व एफ के मध्य रखते हैं, सी और एफ के मध्य रखते हैं, तो अनंत और सी के बीच रखे तो सी और एफ के मध्य प्रतिबिंब बना, जब सी और एफ के बीच रखेंगे तो अनंत और सी के मध्य प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा होगा, ठीक है ना। तो मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, एक फोकस से जाएगी, और एक फोकस से ले जाएंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर, ये दोनों एक दूसरे को अनंत और सी के मध्य काट रहे हैं, तो इसलिए इनका प्रतिबिंब भी अनंत और सी के मध्य होगा, क्योंकि वस्तु से बड़ी लंबाई का प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु से बड़ा बाईं ओर बन रहा है, मिल रही है प्रकाश किरणें तो वास्तविक, और मुख्य अक्ष के नीचे मिल रही है तो उल्टा। पांचवा है, जब वस्तु फोकस पर हो, जब अनंत पर रखे थे तो फोकस पर प्रतिबिंब बना, जब फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर। तो फोकस पर रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर लेकर के जाएंगे तो फोकस से होकर के जाएगी प्रकाश किरण, और एक प्रकाशिक ये जो है वक्रता केंद्र से ले जाएंगे तो ये पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। अब ये दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी तो समांतर किरणें कभी नहीं मिलती है, तो कहां पर मिलेंगी? ये अनंत पर। तो इनके प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? अनंत पर। आकार कैसा होगा? वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा, और इनकी प्रकृति कैसी होगी? क्योंकि बाईं ओर है तो वास्तविक एवं उल्टा, मुख्य अक्ष के नीचे मिलेंगी। अब छठा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जब वस्तु एफ वा पी के मध्य हो, फोकस और ध्रुव के मध्य रखी जाए जब वस्तु को, ठीक है। तो एक हम लेकर के जा रहे हैं सी से, तो सी की तरफ वापस लौट आएगी, और दूसरा ध्रुव पर ले जाएंगे तो जितने अंश के कोण पर गई है उतने अंश कोण बना करके वापस चली जाएगी। तो एक जा रही है उधर, एक आ रही है नीचे, ये दोनों कभी नहीं मिलेंगी एक दूसरे से, आगे नहीं मिलेंगी, तो इन्हें पीछे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर काटती है एक दूसरे को, तो दर्पण के पीछे काटती है एक दूसरे को, जबरदस्ती मिलाया गया है, यानी आभासी और दर्पण के पीछे मिल रही है तो आभासी प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब, आकार वस्तु से देखो बड़ा बना हुआ है, और प्रकृति क्योंकि दर्पण के पीछे बन रही है तो डॉटेड लाइन द्वारा प्रदर्शित होता है कि यह आभासी प्रतिबिंब है, और क्योंकि मुख्य अक्ष के ऊपर ये मिल रही है तो सीधा, आभासी प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव उल्टा बनता है। और ये था अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने की विभिन्न स्थितियां, ठीक है।